हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीटेक यूट्यूब चैनल और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वर्चुअल बॉक्स में काले लिनक्स का 2020 का लेटेस्ट वाला वर्जन कैसे इंस्टॉल किया जाता है। और इस पर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगी, जैसे कि काले लिनक्स इंस्टॉल कैसे की जाती है वर्चुअल बॉक्स में, ऐसे टॉपिक्स पर आपको वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब पर। लेकिन ये वाले वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काले लिनक्स का जो 2020 का लेटेस्ट वाला वर्जन है वो इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स और एरर्स आ जाते हैं। मैंने भी काफ़ी एरर्स फेस किए, उसके बाद ही मैंने काले लिनक्स इंस्टॉल कर दिया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे काले लिनक्स वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल किया जाता है लेटेस्ट वाला वर्जन 2020 का। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स ओपन कर लेता हूँ, आपको वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना है। सिंपल सा स्टेप है, नेक्स्ट करके आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक ISO फाइल की, तो क्रोम या फिर कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है काले लिनक्स की ISO फाइल। तो काले लिनक्स डाउनलोड सिंपल सा यहाँ पे टाइप करना है और उसके बाद सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद जो आपको पहला लिंक आपको नज़र आएगा उस पर आपको क्लिक करके वेबसाइट पे जाना है। ये रही वेबसाइट, तो आप काले लिनक्स जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो kali.org, इसी वेबसाइट से आपको डाउनलोड कर देना है। और आप यहाँ से बहुत सारे काले लिनक्स के अलग अलग वर्जन ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वर्जन आपको मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे काले लिनक्स 64-bit लाइव ये वाला वर्जन डाउनलोड किया है 2.8GB का। तो आप कोई सा भी वर्जन आपके कंप्यूटर सिस्टम के हिसाब से ले सकते हैं, 32-bit या फिर 64-bit कोई वर्जन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने डाउनलोड किया है ऑलरेडी। तो अब वर्चुअल बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे न्यू पर क्लिक कर देना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी सिस्टम का नाम दे देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ काली लिनक्स। और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैच कर लेगा कि 64-bit है यहाँ पे, 32-bit है। तो मेरा जो विंडोज़ का होस्ट सिस्टम है वो 64-bit है, इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने कैच कर लिया कि ये 64-bit वाला वर्जन है यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं हम। तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं आपका 32-bit होगा या फिर कोई और, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 64-bit कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे हम। यहाँ से मशीन का फोल्डर आप जहाँ पे भी रखना चाहते वहीं पर रख सकते हैं आप। मैंने सी ड्राइव में यूज़र दीपक के अंदर रख दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे रैम सिलेक्ट करना है, यानी मेमोरी साइज़ कितनी चाहिए आपके वर्चुअल बॉक्स के काले लिनक्स को चलाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 2GB यहाँ पे कर देता हूँ मैं, 2048। तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे हम इसके बाद। और यहाँ पे क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क पे इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट कर देंगे और इसके बाद भी नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे डायनामिकली अलोटेड इस पर भी क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे हमें जो हमारी स्टोरेज होगा वर्चुअल बॉक्स के अंदर काले लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए वो हमें यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते थे 32GB का स्टोरेज यहाँ पे, तो इसके बाद क्रिएट कर देंगे। और क्रिएट कर देने के बाद सिंपल सा आपको ऐसा नज़र आएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल से एडवांस में जाके यहाँ पे आपको बाय डायरेक्शनल यहाँ पे दोनों को बाय डायरेक्शनल कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को कुछ नहीं कर देना आपको। यहाँ पे आप चाहे तो इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3D एक्सप्लोरेशन पर क्लिक कर दिया। अब इसके बाद स्टोरेज में जाना है। स्टोरेज में जाने के बाद आपको MT पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद सिंपल सा इस डिस्क पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से चूज़ वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क, यानी चूज़ कर देना है आपकी फ़ाइल को, जो भी आपकी काले लिनक्स की फ़ाइल है उसको चूज़ कर देना है। इस माय सॉफ्टवेयर्स के अंदर मेरी फ़ाइल है काले लिनक्स लाइव MD। तो ये देखिए, ये मेरी ISO फाइल है, लेकिन मेरे आप इसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेक कर सकती है, ये ISO फाइल है या फिर नहीं। तो देखिए, इस पर क्लिक कर देने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ। तो देखिए, ये यहाँ पे दिख रहा है ISO फाइल है, लेकिन ये विनरार की फॉर्मेट में दिख रही है, क्योंकि मेरे इसमें ISO जैसी कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, तो इसलिए विनरार के जैसे ये फाइल दिख रही है। तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। और ओपन कर देने के बाद यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे सिस्टम में जाना होगा आपको। सिस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्टिकल का ऑप्शन होगा इस पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से ऊपर कर देना है। यहाँ पे 1 नंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है इसको। इस फ्लॉपी को हमें यहाँ पे नीचे ले जाना है और ये हार्ड डिस्क को 2 नंबर पे। तो यहाँ पे बस हमारे सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद सिंपल सा हमें यहाँ पे स्टार्ट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो हमारा काले लिनक्स का इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ से शुरू होने वाला है। इसे मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ।
और यहाँ पे आप कीबोर्ड की मदद से या फिर माउस की मदद से, दोनों की मदद से आप यहाँ पे एक्स इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे ग्राफिकल इंस्टॉल पर लेके आता हूँ और यहाँ पे इसे एंटर दबाएंगे और यहाँ से शुरू हो जाएगा इंस्टॉलिंग प्रोसेस। अब इसके बाद हमें यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे इंग्लिश ही रहने देंगे हम। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद सिलेक्ट योर लोकेशन आएगा, तो इस पर हमें हमारी जो कंट्री की लोकेशन होगी यहाँ पे ऐड कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पे इंडिया ऐड कर देता हूँ। इसके बाद कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू कर देने बाद कॉन्फ़िगर द कीबोर्ड, कीबोर्ड की जो हमें अमेरिकन इंग्लिश ही रहने देना है। इसके बाद कंटिन्यू, लोडिंग ले रहा होगा इंस्टॉलर। इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग सकता है, तो आपको एकदम रिलैक्स हो जाना है और आपको इंतज़ार करना है कि कभी इंस्टॉल हो जाता है पूरा का पूरा। अब इसके बाद हमें यहाँ पे होस्ट नेम काली या फिर आप कोई भी होस्ट नेम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ, काली रहने दिया आप होस्ट नेम। इसके बाद फिर से कंटिन्यू, इसके बाद आपका जो यूज़र होगा उसका पूरा नेम आपको यहाँ पे देना है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नेम। सारे स्मॉल में ही दे देता हूँ, आप कैपिटल में भी दे सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद यूज़र नेम फॉर योर अकाउंट, अकाउंट का नेम आप पे यहाँ पे देखना होगा आपको। यहाँ पे मैं अकाउंट का नेम डीटेक दे देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड देना होगा, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ध्यान रहे यही पासवर्ड आपको जब अपना कालीनेक्स इंस्टॉल होने के बाद आपको अकाउंट लॉगिन करना होगा, तो यही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा। तो इसलिए आपको ये पासवर्ड एकदम चेक करके डालना होगा कि ये पासवर्ड एकदम करेक्ट है या फिर नहीं, ताकि आपको इंस्टॉल होने के बाद फिर से इस सॉफ्टवेयर को रीसेट ना करना पड़े। अब इसके बाद आपको गाइडेड यूजर यूज एंटायर डिस्क इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद कंटिन्यू कर देना है, कंटिन्यू कर देना है और फिर से कंटिन्यू कर देना है इस ऑप्शन पर क्लिक करके पहले वाले पे। इसके बाद फिर से कंटिन्यू कर देना है, यहाँ पे कुछ नहीं कर देना आपको, क्योंकि हमने पहले से स्टोरेज जितनी देनी थी उतनी सिलेक्ट की थी, 32 GB आप सिलेक्ट की हुई थी। फिनिश पार्टीशन एंड इस पर क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है और इसके बाद यहाँ पे एस पर क्लिक करेंगे और इस पर कंटिन्यू कर देंगे। अब तक की जितने भी हमारी जो स्टेप्स हमने फॉलो की, इन स्टेप को जल्दी जल्दी किया जाता है, लेकिन इस वाली स्टेप को काफ़ी टाइम लग सकता है, तो आपको बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। आप तब तक आप कुछ अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी मेन प्रोसेस होती है इसमें सॉफ्टवेयर जो होता है हमारे कालीनेक्स के सिस्टम को यहाँ पे इंस्टॉल कर देता है वर्चुअल बॉक्स के अंदर। इंस्टॉलिंग की प्रोसेस ख़त्म होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा शो होगा, तो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर द पैकेज मैनेजर यहाँ पे शो होगा, तो यूज़ द नेटवर्क मिरर, तो यहाँ पे आपको कर देना है नो, नो पे क्लिक कर देने बाद कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू कर देने के बाद आपको फिर से अगली वाली स्टेप पे ले जाएंगे। अब इसमें कुछ थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको वेट करना होगा। ग्रुप बूट लोडर यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद ऑप्शन शो होगा ऐसा कुछ, इंस्टॉल द ग्रुप बूट लोडर टू मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो अब इसके बाद यहाँ पे एस कर देना है और यहाँ पे नेक्स्ट कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू कर देने के बाद इंटर डिवाइस मैन्युअली, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो अब ग्रुप बूट लोडर यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, आपको फिर से वेट करना होगा। अब इसके बाद फिनिशिंग इंस्टॉलेशन, ये लास्ट वाली प्रोसेस होने वाली है। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा इंस्टॉलेशन कंप्लीट, इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा उस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद, तो आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे डाला तो वही आपको यहाँ पे डालना होगा और यहाँ पे
लॉगिन हो जाएंगे आप। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से कालिनक्स का लेटेस्ट वाला वर्जन का इंटरफेस दिखता है। आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी सारे एडवांस टूल्स होते हैं हैकिंग के लिए, पेंट्रेशन टेस्टिंग के लिए, यहाँ से आप उन टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।